नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द्वार बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आज हम करेंगे गुजरात चुनाव पे बात करके। गुजरात चुनाव जिनका आज दूसरा चरण था और आखिरी चरण था 14 दिसंबर को, और उस दिन मतदान के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक रोड शो किया। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये देश के लिए बहुत दुखद दिन है जब चुनाव आयोग संविधान की अवमानना कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस ने मोदी जी के रोड शो के बाद जब चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई ना की, उन्होंने कहा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, और कार्रवाई ना करने से गुस्से में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर दर्शन किया और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। सुरजेवाला ने कहा यह देश के लिए बहुत दुख का दिन है जब चुनाव आयोग संविधान की अवमानना कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कठोर शब्दों में कहा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो प्रधानमंत्री के निजी सचिव की तरह काम कर रहे हैं। विपक्षी दल द्वारा चुनाव आयोग एवं मोदी पर हमला किए जाने से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष बने हैं राहुल गांधी, उनको गुजराती टीवी चैनलों को साक्षात्कार देकर आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टि में उल्लंघन के कारण बताओ नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने राहुल से 18 दिसंबर की शाम तक अगर जवाब नहीं देने पर कहा था कि उनको संदर्भित किए बिना मामले का निर्णय लिया जाएगा। जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि वह दोहरे मानक अपना रही है कांग्रेस और भाजपा के साथ, और अलग अलग व्यवहार कर रही है, निष्पक्षता से व्यवहार नहीं कर रही है बल्कि भाजपा के साथ पक्षपात किया जा रहा है। इसी के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि पार्टी ने अध्यक्ष जो है उनकी पार्टी के राहुल गांधी को मीडिया में साक्षात्कार देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया चुनाव आयोग ने, जबकि भाजपा नेताओं को ऐसा करने के बावजूद भी छोड़ दिया। चिदंबरम ने कई बार ट्वीट करके आयोग पर अपने काम में लापरवाही करने के आरोप लगाए। गुजरात के लोगों से कहा कि वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करें और बाहर जाकर वोट करें और जो भाजपा की सरकार है उसको बदल दें। उन्होंने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, भाजपा के अध्यक्ष ने एक साक्षात्कार दिया गया, रेल मंत्री ने भी एक साक्षात्कार दिया है, इन सब पर चुनाव आयोग चुप क्यों है? केवल राहुल गांधी के साक्षात्कार पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? उन्हीं के साक्षात्कार पर इतना बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है? पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत करना एक हताश भरा कदम है। प्रचार समाप्त होने के बाद साक्षात्कार देना हर चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार और प्रत्येक प्रचारकर्ता के लिए सामान्य है। चिदंबरम ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री को मतदान वाले दिन रोड शो की अनुमति देना आचार संहिता का उल्लंघन है, आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तो ये गुजरात चुनाव का आज दूसरा चरण भी और आखिरी चरण पूरा हो चुका है। 9 दिसंबर और 14 दिसंबर दो चरणों में ये गुजरात चुनाव हुए थे। मतगणना यानी कि जो इसके परिणाम आने हैं ये 18 दिसंबर को होनी है, और आज ये चुनाव का आयोग का जो चुनाव था वो समाप्त हुआ है। गुजरात चुनाव के जो मुद्दे थे वो बुनियादी मुद्दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनसे बहुत दूर जाते हुए मंदिर, परिवारवाद और पाकिस्तान तक जा पहुँचे ये मुद्दे, जिनके बारे में बुलेटिन में हमने आपको रोज़ बताया ही है। अब देखना क्या है कि एग्जिट पोल के क्या परिणाम होते हैं और 18 दिसंबर को जो पूरे देश की नज़र है जिस गुजरात चुनाव पे, उसका क्या परिणाम आता है, इस पे देखना अभी बाकी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने क्या कहा। रामदास अठावले ने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बौद्ध धर्म तब अपनाया जब उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि हिंदू धर्म में उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। अठावले ने समुदाय के सदस्यों से भी ऐसा ही करने को कहा। केंद्रीय सामाजिक न्यायिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं अठावले। उन्होंने एक बयान में कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म तब अपनाया था जब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि हिंदू धर्म में दलितों को न्याय नहीं मिलेगा।
तो लाखों दलितों ने भी ऐसे ही धन परिवर्तन किया है। बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि अंबेडकर ने कट्टर हिंदुत्ववादियों को सुधार करने का एक मौका दिया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपना धन परिवर्तन कर लिया। अठावले ने कहा कि सभी दलित अपने पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए हिंदू धर्म छोड़ दें और बौद्ध धर्म अपना लें। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख अठावले ने बसपा प्रमुख मायावती से के लिए भी निशाना साधते हुए कहा कि बार बार धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें भी बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। इससे कुछ दिन पहले अठावले ने कहा था, जो हमने आपको बुलेटिन में बताया भी था, कि जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको 20-25% तक आरक्षण दे देना चाहिए, क्योंकि सवर्ण और दलितों के बीच का जो मुख्य संघर्ष है, उन्होंने अठावले ने इसका कारण आरक्षण बताया था। उन्होंने कहा कि सवर्ण तबकों के गरीबों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने से दलितों पर अत्याचार रुक जाएगा और जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दलितों और सवर्णों के बीच संघर्ष पैदा करने का एक ही कारण है, आरक्षण, ऐसा अठावले ने कहा है। और सामान्य वर्ग के उन लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ऐसा होने से दलितों पर अत्याचार रुकेगा, जाति व्यवस्था पर भी अंकुश लगेगा। तो ये था अठावले का बयान जो हमने आपको बताया। अब हम बताने जा रहे हैं कि जो राजस्थान में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें लव जिहाद से जो शुरू हुआ और जिसके बाद जिसने मानवता को एकदम हिला के रख देने वाला एक वीडियो वायरल किया था, उस मामले में जो आरोपी हैं शंभूलाल रैगर, उनकी पत्नी के नाम से खुले खाते के लिए एक बहुत बुरी तरह से जानकारी पूरे सोशल मीडिया पे और हर तरीके से वो जानकारी जारी हो रही थी, शेयर हो रही थी कि इस बैंक खाते में शंभूलाल रैगर की पत्नी के सहयोग के लिए, उनके परिवार के आर्थिक सहयोग के लिए पैसे जमा किए जाएं। तो राजस्थान पुलिस ने राजस्मंद मजदूर की हत्या के आरोपी शंभूलाल रैगर की पत्नी के बैंक खाते को उसको फ्रीज कर दिया है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 500 लोगों ने 3 लाख रुपए जमा कराए थे। और ये पश्चिम बंगाल निवासी अफराजुल की हत्या कर उन्हें जिंदा जलाया था और उसके बाद इसका वीडियो बना के वायरल किया था ये शंभूलाल रैगर ने, जिसको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। और शंभूलाल रैगर के समर्थन में उनकी पत्नी सीता रैगर के खाते में 516 लोगों ने पैसे जमा करवाए। पुलिस ने ऐसे 2 व्यापारियों को भी हिरासत में लिया है जो इस खाते में पैसा जमा कराने की रसीद को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ऐसा सूचना मिलने के बाद उन्होंने अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। गौरतलब है कि राजसमंद के क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह राव ने बताया है कि जांच में हमें पता चला है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में से, हर क्षेत्रों में से, हर राज्य में से पैसे आए हैं। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां से पैसे ना आए हों। इंटरनेट बैंकिंग से भी बहुत बड़ा भाग आया है। तो वहीं रैगर के समर्थन में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा गुरुवार को रैली निकाले जाने की खबर में पड़ोसी, इसके चलते जो उदयपुर शहर है वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। और ऐसा बताया गया है कि निर्देश के अनुसार धरना, प्रदर्शन, रैली, भड़काऊ भाषण, इन सभी चीज़ों पर रोक रहेगी। और जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विशेष सेल का संगठन किया गया है जो इस दौरान सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हैं, तस्वीरें हैं और जो वीडियोस हैं उन पे नज़र रखेगा। तो ये राजस्थान का एक ऐसा मामला जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये दिल दहलाने वाला वीडियो जिस व्यक्ति ने वायरल किया था, उसकी पत्नी के सहयोग के लिए जो बैंक अकाउंट खोला गया था, उस अकाउंट को फिलहाल पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। पर देखने वाली बात यह है कि ऐसा दर्दनाक हादसा करने वाला जो आरोपी है, उसके समर्थन में पूरे देश में लोगों ने 3 लाख रुपए दे दिए। अलग अलग देश, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, देश भर से सहयोग आया उसके समर्थन के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य कुमार गांधी को 4 मामलों में बरी कर दिया गया और शेष 2 मामलों में उनको जमानत दे दी गई है। माओवादी विचारक कुमार गांधी को विशाखापट्टनम सेंट्रल जेल से मंगलवार शाम को रिहा किया गया है
और कोबार्ट गांधी उसके बाद मुंबई स्थित अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। कोबार्ट गांधी को साल 2009 में 20 सितंबर को आंध्र प्रदेश पुलिस और मुंबई की स्पेशल पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल समेत कई जेलों में रखा जा चुका है। साल 2008 में ग्रेहाउंड कमांडोज टीम हमले के ये मुख्य आरोपी थे कोबार्ट गांधी और इसी साल अप्रैल माह में उनको विशाखापट्टनम की सेंट्रल जेल में रखा गया था। गांधी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का सेंट्रल हेड बताया जाता है, उनकी केंद्रीय समिति का सदस्य बताया जाता है जो कि कानूनी रूप से एक बैन पार्टी है। 8 साल से जेल में रह रहे कोबार्ट गांधी को गुर्दे की बीमारी, प्रोस्टेट कैंसर, पीठ की समस्या, हृदय रोग, कई बीमारियां हो गई थी जेल में रहते हुए, काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। और अगस्त 2005 में पूर्व विधायक कांग्रेस नरसी रेड्डी की हत्या के मामले में कोबार्ट गांधी को चरलापल्ली सेंट्रल जेल में भी रखा गया था। कोबार्ट गांधी को आंध्र प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डी श्रीपाद राव की 1999 में हुई हत्या के भी आरोपी कोबार्ट गांधी को बताया गया था। उनके खिलाफ अधिकांश मामले जो हैं वो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अवैध अधिनियम UAPA रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज थे और अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में असफल रही थी। और जब उन्हें सितंबर में 2009 में गिरफ्तार किया गया था तब वो दिल्ली में माओवादी नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे थे, माओवादी नेटवर्क बना रहे थे, स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, इस कारण से उन्हें गिरफ्तार किया था। और जून 2016 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें आतंक के आरोपों से बरी कर दिया था। जो कोबार्ट गांधी हैं वो देहरादून के दून स्कूल से पढ़े हैं, उसके बाद एलिफेंटस्टोन कॉलेज मुंबई से पढ़े हुए हैं और 1960 के दशक में वो इस माओवादी विचारधारा से जुड़े। इससे पहले वो महाराष्ट्र में ML पीपल्स वॉर के एक सक्रिय सदस्य थे। जब ये पीपल्स वॉर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी में मर्ज हो गई तो ये 2004 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सेंट्रल सदस्य रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो फिलहाल इनको सभी जो इनके खिलाफ मामले चल रहे थे 6 बड़े मामलों में, उनमें जमानत मिलने से माओवादी विचारक कोबार्ट गांधी को बरी कर दिया गया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेपाल में वामपंथी गठबंधन को 116 सीटों के साथ बहुमत मिली है। नेपाल में हुए ऐतिहासिक प्रांतीय और संसदीय चुनाव में वामपंथी संगठनों ने बहुमत हासिल कर ली है। CPN और UML यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एंड यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, उभरी है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत मतों की गणना का काम बुधवार को समाप्त हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली के नेतृत्व वाली CPN UML और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व वाली CPN माओवादी केंद्र में प्रांतीय और संसदीय चुनाव के लिए गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन को FPTP प्रणाली के तहत 165 सीटों में से 116 सीटों पर जीत दर्ज की है और CPN UML ने 80 सीटें जीती हैं जो कि कुल 165 में से लगभग 50% हैं। CPN माओवादी केंद्र और नेपाली कांग्रेस ने 36 और 23 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। वामपंथी गठबंधन अब केंद्र में सरकार बनाएगा। CPN UML के अध्यक्ष ओली शायद नई सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। वामपंथी गठबंधन प्रोविंस संख्या 2 को छोड़कर सभी प्रांतीय असेंबलियों में बहुमत हासिल कर रहा है। प्रांतीय असेंबली में 330 सीटों में CPN UML को सबसे अधिक 168 सीटें मिली हैं जबकि माओवादी सेंटर को 73 सीटों पर जीत हासिल हुई है। नेपाली कांग्रेस को 41 सीटें हासिल कर वो तीसरे स्थान पर रही है। RJP और FSFN को 16 और 24 सीटें क्रमशः मिली हैं। उल्लेखनीय है कि जो नेपाल का चुनाव था ये 2 चरणों में विधानसभा चुनाव मतदान हुआ था, 26 नवंबर और 7 दिसंबर को। तो नेपाल चुनाव में वामपंथी गठबंधन को 116 सीटों के साथ बहुमत के साथ जीत मिली है। इसी के साथ आज हमने आपको देश, समाज और पूरी जानकारी दी है कि देश भर में और समाज भर में क्या क्या हुआ। सोचने का काम आपका है। द वार बुलेटिन में आज इतना ही। मैं सृष्टि।